हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ मसाज फॉर बैक एंड लेग मसल्स। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको हम मायोफेशियल रिलीज टेक्निक बोलते हैं। ये टेक्निक अगर आपके लेग के मसल, क्वाड्रिसेप मसल, हैमस्ट्रिंग मसल और काफ मसल बहुत ज़्यादा टाइट है, उसके साथ आपके अगर बैक के मसल स्पेशली नेक एरिया से लेके मिड बैक तक जो मसल्स आते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा टाइट है और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नेक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, अपर बैक पेन हो रहा है या फिर लेग में पेन हो रहा है, काफ में पेन हो रहा है, तो ये सारा पेन कम करने के लिए मायोफेशियल जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। तो गाइस, ये टेक्निक करने के लिए हमें एक स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल टूल की जरूरत पड़ेगी और वो टूल है हमारा ये फोम रोलर। इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाए, चाहे वो नी के ऊपर हो, बैक पेन के ऊपर हो, तो उसमें काफ़ी बार मैंने फोम रोलर के जो भी एक्सरसाइज वो आपको बताए थे, उस टाइम मैंने ये भी बोला था कि मैं स्पेशली इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज़ है। जितने भी हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, क्रिकेटर हो या जो भी वॉलीबॉल, जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, सारे प्लेयर के घर में आपको ये फोम रोलर हमेशा दिखाई देगा। इवन जिम में भी काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। ये फोम रोलर क्या करता है, इसको जो नॉट्स आप देख सकते हो, ये नॉट्स क्या करते हैं, जो भी हमारे मसल का टाइटनेस होता है वहाँ पे जो नॉट्स बनते हैं हमारे मसल में, तो ये जो पॉइंटर होते हैं ये क्या करते हैं, उस नॉट को रिलीज करते हैं। जैसे ही इसकी हेल्प से अगर हम सेल्फ मसाज करते हैं बॉडी का, हमारे लेग मसल का, शोल्डर का या फिर हमारे अपर बैक मसल्स का, तो इसकी वजह से वहाँ के जो भी मायोफेशियल रिलीज टेक्निक होती है उसकी हेल्प से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मसल का टाइटनेस कम होने लगता है और उसकी वजह से अगर आपको कुछ पेन हो रहा है तो वो पेन भी कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ जो भी हमारे जॉइंट में पेन होता है तो उसके पीछे काफ़ी बार रीज़न होता है कि हमारे मसल टाइट होते हैं, तो अगर हम टाइट मसल को रिलीज करेंगे तो जो भी जॉइंट पेन है, जैसे नी पेन है, वो इंस्टेंटली कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो गाइज, ये जो फोम रोलर होता है ये कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना होता है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपका नी पेन हो रहा है और नी के अराउंड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, या अगर आपका कोई भी जॉइंट पेन हो रहा है, जैसे हम शोल्डर पेन हो रहा है, कोई हम गिर गए थे, एक्सीडेंट हुआ था और शोल्डर में कुछ मसल टियर हुआ है, उस कंडीशन में अगर आपका शोल्डर पेन हो रहा है या आपका एल्बो पेन हो रहा है, रिस्ट पेन हो रहा है या एंकल पेन, तो जो भी हमारा पेन होता है जो जॉइंट में होता है, तो उस कंडीशन में ये फोम रोलर उस जॉइंट के ऊपर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। मैं काफ़ी सारे लोग देखता हूँ जो जॉइंट के ऊपर इसको रोल करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं गाइस। ये जो फोम रोलर है ये कंपलसरी जहाँ पे हमारा मसल होता है, मसल बेली जो होती है उसके ऊपर इसको हम फोम यूज़ करना होता है, जॉइंट के ऊपर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और स्पेशली अगर आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और कुछ इडिमा, कुछ भी आपका वहाँ पे रेडनेस है, टेंडनाइटिस या फिर कोई लिगामेंट इंजरी है, तो उस कंडीशन में फोम रोलर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। वो सारे कंडीशंस अलग होते हैं, उसका जो भी एक्सरसाइज होता है, उसका जो भी ट्रीटमेंट होता है, सारे अलग होते हैं। ऑलरेडी जो भी कंडीशन है नी के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, एंकल के ऊपर, उसके बहुत सारे वीडियो बना के हमने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप लोगों के लिए उसका सारा लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए। तो गाइज, अब हम चलते और देखते कि इस फोम रोलर की हेल्प से हम कैसे हमारे टाइट बैक के मसले और टाइट लेग के मसले उसको इंस्टेंटली रिलीज करेंगे और उसकी वजह से जो भी हमारा पेन हो रहा है बॉडी में उसको भी कम करेंगे। अब ये रोलर के साथ हमें एक मैट यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज, क्योंकि अगर नीचे का सरफेस बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है तो ये रोलर उसके ऊपर अच्छे से रोल नहीं कर पाता और जो भी इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं आता। इसके साथ दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि ये जो फोम रोलर होता है ये आपको कभी भी लोअर बैक के ऊपर यूज़ नहीं करना। जो भी हमारा लोअर बैक होता है उसमें ऑलरेडी कैसे लॉर्डोटिक कर्व होता है, अगर इस रोलर को हम उसके नीचे रख देते तो ये कर्व बढ़ने के चांसेस होते हैं और काफ़ी बार इसकी वजह से लोअर बैक पेन हो सकता है, तो इसको कभी भी लोअर बैक के ऊपर यूज़ नहीं करना। जो भी इसका यूज़ करना है, मिड बैक से लेके जो हमारा नेक वाला एरिया होता है यहाँ तक यूज़ करना है, नेक के ऊपर भी यूज़ नहीं करना। उसके साथ इसको कभी भी स्टमक के ऊपर यूज़ नहीं करना। अगर आपके घर में बच्चे या कुछ लोग इसको फन के लिए यूज़ करते हैं, उसके ऊपर बॉडी को रोल करते हैं, तो गलती से भी इसको स्टमक के ऊपर यूज़ नहीं करना, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो गाइस, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, दो चीज़ें, लोअर बैक और स्टमक, कभी इसको यूज़ नहीं करना। अब हम ये देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैक से शुरू करते हैं गाइस। अब हमारे काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमेशा हमें मैसेज पे या कमेंट पे लिखते हैं कि हमारा हम पढ़ाई करते हैं या फिर आईटी हमारा जॉब होता है, तो हमेशा ये पोस्चर ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे बैक के ऊपर ऐसे रख देना है, ठीक है। अब दोनों पैरों को आपको फोल्ड करके लेना है। अब गाइज, ये कितनी बार करना है, क्या करना है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है, बट आप मिनिमम 3 से 4 मिनट के लिए या 5 से 6 मिनट के लिए इसको कर सकते हो, बट जितना आपको कम्फर्टेबल लगेगा उतना टाइम आप इसका डिसाइड कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस रोलर को ऐसे बैक के ऊपर पे रखिए, यस, आप कंफर्टेबल पोजीशन लेके आपको दोनों पैरों को फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद आपको हिप को ऊपर की तरफ रेज करना है और जैसे आप रेज करते हो तो पैरों की हेल्प से, लेग की हेल्प से और आपके बॉडी की मूवमेंट से आपको धीरे से इसके ऊपर ऐसे रोल करना है।
अब आपके हेड का जो पोजीशन है वो स्टेबल होना चाहिए गाइस, नीचे भी नहीं और ऊपर भी नहीं, कीप इट स्ट्रेट। सो आपका जो भी स्पाइन है उसका जो भी कर्वेचर वो मेंटेन रहेगा। अब धीरे धीरे आपके कंफर्ट के हिसाब से आप इसके ऊपर बॉडी को रोल करना है, ठीक है। अब जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। अब ये क्या करता है, काफ़ी बार क्या होता है, ये जो उसकी जो पॉइंटर्स होते हैं, मैंने बोला ये मसल को ऐसे चुभते हैं, ठीक है, तो चुभने से काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, बट आपको इनिशियली थोड़ा सहन करना पड़ेगा गाइस। वो जो पॉइंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ का जो मसल नॉट है उसको रिलीज़ करना शुरू कर देते, और जैसे जैसे वो मसल नॉट रिलीज़ होते हैं वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वहाँ का जो भी टाइटनेस है कम होने लगता है। तो जो स्पेशलिस्ट स्टूडेंट है, जो आईटी प्रोफेशनल है, ये वाला टेक्निक वो ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि उनका पोस्चर सीधा होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और वहाँ का जो भी टाइटनेस है मसल्स का वो निकलने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आप आपके हिसाब से आधे तक करो, फिर नीचे आधा करो, या फिर आप पूरा के पूरा नेक से लेके अपर बैक इसको कर सकते हो, ठीक है। अब धीरे धीरे आप बॉडी को एडजस्ट करते रहिए, क्योंकि रोल करते टाइम हम ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, तो आप आपके कंफर्ट के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। तो बस यही तक करना है, नीचे नहीं करना लोअर बैक के ऊपर, जहाँ तक हमारा थोरैसिक स्पाइन होता है T12 वर्टिब्रा, बस वहाँ तक आपको जा सकते हो मैक्सिमम, उसके नीचे बिल्कुल ना जाए। यस, अब गए जैसे इसका प्रैक्टिस होगा तो हम इसको थोड़ा एडवांस लेवल भी कर सकते हैं। अब हमने अभी क्या किया, ये पूरा जो पूरा बैक होता है लेफ्ट और राइट साइड वाला दोनों तरफ पूरा वाला बैक, तो उसको एक साथ किया। अब आप इसको हाफ अप भी कर सकते हो। आप पहले क्या करो, यहाँ से स्पाइन से लेके आधा पोर्शन, फिर यहाँ से लेके आधा पोर्शन, ये भी कर सकते हो, ये थोड़ा एडवांस हो जाता है। आपको इस रोलर को थोड़ा सा बाहर निकाल के इसको जो बस हल्का जो अपना आधा बैक होता है उसके ऊपर ऐप रख के अब बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करके आपको धीरे से ऐसे रोल करना है। अभी और ज़्यादा पेनफुल होता है गैस, क्योंकि पूरा बॉडी वेट इसके ऊपर अभी आ जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों को अभी नॉर्मल प्रैक्टिस है वो ये वाला एडवांस लेवल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके हेल्प से हमें सबसे पहले हम हैमस्ट्रिंग मसल को कैसे रिलीज करना है वो देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने इसको बैक के नीचे रख के बैक को रोल किया, सेम आपको क्या करना है, इसको ऐसे नी के जो हमारा नी जॉइंट का नीचे का जो एरिया होता है वहाँ से हल्का सा ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। और बस आपको क्या करना है, हाथों को ऐसे इस पोजिशन में रखना है, शोल्डर को सीधा रख के आपको क्या करना है, अगेन हिप को ऊपर उठा के ऐसे रोल करना है, ठीक है। ये थोड़ा फनी भी लगता है बट इसका जो इफेक्ट आता है, जो हमारे हैमस्ट्रिंग को ही रिलीज करेगा, उससे जो भी हमारे हैमस्ट्रिंग मसल है वो बहुत अच्छे से उसका जो टाइटनेस है वो निकलने लगेगा, और जो भी उसके वजह से काफ़ी बार नी के ऊपर पेन होता है वो पेन भी कम होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो गाइज, इससे पहले काफ़ी वीडियोज़ में मैंने दिखाया था कि रोलर यूज़ कैसे करना है, तो काफ़ी लोगों के पास ये रोलर अवेलेबल है, बट जिन लोगों के पास नहीं है उन सब लोगों के लिए अगर आप खरीदना चाहते हो आप ज़रूर खरीदिए, क्योंकि बहुत काम की चीज़ होने वाली है। तो इस रोलर का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक करके ये परचेस कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हमने अभी दोनों थाइस को एक साथ किया, दोनों हैमस्ट्रिंग को एक साथ किया, इसको भी अगर आपको ये कंफर्टेबल लग रहा है तो आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ही पैर के नीचे इसको ऐसा रख के दूसरे पैर को आपको फोल्ड करके आपको बस ऐसे ये कर सकते हो, रोल करना है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें और भी आपको एडवांस चाहिए तो आप ये वाला पैर इसके ऊपर ऐसे रख दो, तो ये सबसे ज़्यादा एडवांस हो जाता है, क्योंकि गाइस इसमें इस पैर का वेट इसके ऊपर आ जाता है, और जितने इसके ऊपर रोलर के ऊपर वेट आएगा उतना ये थोड़ा और पेनफुल होगा, उतना ही अच्छे से रिलीज भी करेगा। तो ये हमने किया हमारे हैमस्ट्रिंग मसल को, अगर हम इस साइड से देखेंगे, अभी आपको इसमें हमारे हाथ को नीचे रख के आपको बॉडी को ऊपर उठाना होता है, तो इसमें आपको शोल्डर का स्ट्रेंथ भी चाहिए होता है, कोर स्ट्रेंथ भी चाहिए होता है। काफ़ी लोग मैंने देखे जो बॉडी को ऐसे उठा नहीं पाते, तो ये रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। तो सबसे पहले आप क्या करो, हल्का सा बस जितना आपको हिप को आपकी हिप ऊपर आ रहे उसके हेल्प से थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए, धीरे 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 प्रैक्टिस के साथ आपका जो भी पूरा हिप है वो पूरी तरह से ऊपर आ जाएगा और ये रोल होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अब ये हो गया हमारे हैमस्ट्रिंग का, अब हम देखते हैं हमारे काफ को कैसे करना है। अगेन इसको आपको क्या करना है, एंकल जॉइंट को आप नीचे रख देना है, ठीक है। अब दोनों पैरों को यहाँ पे रख के अब इसमें शोल्डर की स्ट्रेंथ, काफ के टाइम में शोल्डर की स्ट्रेंथ और कोर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ से, ठीक है। अब आपको धीरे से इसके ऊपर ऐसे इसको रोल करना है। अब सबसे ज़्यादा पेन अगर ये फोम रोलिंग करते टाइम सबसे ज़्यादा पेन होता है तो काफ में होता है, क्योंकि काफ जो होते हैं बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं लोगों के। अब धीरे से मैं इसको ऊपर की तरफ ले रहा हूँ,
ठीक है। अभी आपको क्या करना है, हाथ को जैसे मैंने बोला था कि शोल्डर की स्ट्रेंथ और हमारे कोर की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, धीरे धीरे मैं इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लिख के आ रहा हूँ और अब इसको पूरा काप मिरर में इसको रोल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बिगिनर लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा एडवांस करना चाहते हो तो अगेन एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के आप इसको रोल कर सकते हो, बट ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ये इवन इतना पेनफुल होता है कि लोगों की आँखों से आंसू तक निकल आते हैं। इसलिए आप दोनों पैरों को एक साथ ही करो, इससे भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। अब ये हो गया हमारा हैमस्ट्रिंग का, जो हमने फॉर्म रोलिंग किया, काफ का किया, बैक का किया। अब हम देखते हैं क्वाड्रिसेप्स के लिए इसको कैसे करना होता है। अब इसको क्या करना है, नी जॉइंट के ऊपर बिल्कुल नहीं रखना, नी से थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है और ऐसे हमें इस पोजिशन में लेटना होता है, ठीक है, उल्टे साइड में। अब लेटने के बाद आपको आपके जो फोरम होते उसको नीचे रख के, ठीक है, अब धीरे से बॉडी को ऐसे रोल करना होता है। अब ये क्वाड्रिसेप मसल जिन लोगों के बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, तो स्पेशली अगर आपको नी पेन हो रहा है, वो भी आपका पटेला के अराउंड हो रहा है, नी कैप के अराउंड पेन हो रहा है, और अगर आप ये फोम रोलर यूज़ करते हो इस कंडीशन में, आपके अगर क्वाड्रिसेप मसल को रिलीज करते हो तो वो पेन कम होने में काफ़ी हद तक आपको हेल्प हो जाती है। अब धीरे धीरे आपके कम्फर्ट के हिसाब से आप क्या करो, इसको थोड़ा सा साइड में एडजस्ट करते रहिए। अब गाइस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये करते टाइम ना थोड़ा सा फनी लगता है। कुछ लोगों को अगर शोल्डर में स्ट्रेंथ नहीं होती तो ये इतने देर के लिए हमारे बॉडी को लिफ्ट नहीं कर पाते, इसलिए अब शोल्डर स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है उसकी भी काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वो भी एक्सरसाइज है, फॉलो करो एंड रिलैक्स। तो आई होप जो भी टेक्निक मैंने आपको बताई ये आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। इस रोलर को ज़रूर परचेस कीजिए, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हो। तो गाइज इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉल या मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हो। तो गाइज आई होप जो भी मैंने आपको टेक्निक अभी यहाँ पे दिखाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इनिशियली क्योंकि हमें आदत नहीं होती, बट आफ्टर प्रैक्टिस ये धीरे धीरे बहुत आसान हो जाता है। और ये सिंगल चीज़ आपको जो भी लेग मसल का टाइटनेस है उसको, अपर बैक का जो टाइटनेस है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो गाइज आई होप जो भी मैंने आज आपको बताने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।